Hey guys, this is the Free Ant and welcome to another episode of Rebelling. अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो हमने पिस्ताशियो फॉरेस्ट खेला. इस बार हम लोग डिस्टेंस स्टेप्स खेलने वाले हैं विद आवर डियर फ्रेंड द सिविल सर्वेंट. नाउ सिविल सर्वेंट अगर आपको याद है तो एकदम बेस गवर्नर है. अगर हम हमारे एडवाइजर्स की बात करें तो रूरल सपोर्ट, रिमोट सपोर्ट, डॉक्टर में क्या करेगा, यू नो हॉस्टाइल पॉपुलेशन मोर इजिली, जर्नलिस्ट गेन इंटेल ऑन जोन्स फास्टर, टाउन प्लानिंग. आई थिंक डॉक्टर ले लेते हैं, हॉस्टल पॉपुलेशन को फटाफट ले सकते हैं. डिले स्टार्ट ऑफ इंसर्जेंट लें, सिक्योरिटी ले लेते हैं. इंटेल नहीं चाहिए मुझे, हायर सपोर्ट लेवल इज गुड, इनकम फ्रॉम स्टेबल इज गुड, रेपुटेशन लॉस ड्यू टू लैक ऑफ स्टेबिलिटी ये नहीं चाहिए. मनी इंक्रीज इफेक्ट ऑफ करप्शन रिडक्शन एफर्ट, आई थिंक टैक्स कलेक्टर बेसिस, नेशनल ट्रेनिंग सोल्जर्स इज नो ब्रेनर, लॉजिस्टिक्स इज नो ब्रेनर. अगर आपको ये वाला यू नो गेम याद नहीं है तो मैंने एक बार पहले भी खेल चुका हूँ विद अ डिफरेंट गवर्नर. सो इस वाले मैप में क्या फंडा है कि हाँ सब मान इस वाले मैप में क्या फंडा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स है और यहाँ पे सिटी है. सो हमारे ये वाला जो डाउन साइड ऑफ द मैप है वो काफ़ी ज़्यादा अटक चुका है. यहाँ पे मोस्टली इंसर्जेंट्स रहेंगे. नाउ इस मैप में दो जगह है अच्छे खासा अपना बेस सेटअप करने के लिए. एक तो यहाँ जो आपकी मेन सिटी है बड़ी वाली, वहाँ सेटअप कर दो तो आपके ये एरिया जल्दी स्टेबलाइज हो सकते हैं. यहाँ पे या यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं. इससे क्या होगा, थोड़ा ये वाले एरिया में सपोर्ट मिल जाएगा अगर कोई इंसर्जेंट अटैक करने का ट्राई कर रहा है तो. एंड होपफुली इंटेल भी थोड़ी मिल सकती है क्योंकि इंटेल जनरली रैंडम रहती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हियर. सो पॉज करते हैं, थोड़ी बहुत इंटेल हमको यहाँ 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 आस पास की मिली है. हम सबसे पहले हमारा अगेन सेम वे से जाएंगे एंड विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने इंटेल डबल ले लिया स्टार्टिंग में ही, होपफुली उससे हमारा थोड़ा यू नो फास्टर इंटेल गैदरिंग हो जाए. हम पीआर ऑफिस भी लेंगे एग्जिस्टिंग सपोर्ट और फ्यूचर सपोर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि इस वाले में जितना जल्दी मैं सपोर्ट ले सकता हूँ और गैदर कर सकता हूँ उतना बढ़िया. करप्शन एंड इन्फ्लेशन पे ध्यान रखें, करप्शन पे स्पेसिफिकली, करप्शन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लो होता है बट इवेंचुअली धीरे धीरे हाई हो जाता है. ओके 35-13 हो गया तो हम पीआर ऑफिस लेंगे. इनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हम नेक्स्ट में जैसे ही 4 आएगा हम इकोनॉमिक ग्रोथ अनलॉक करेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ अनलॉक की उसके बाद इस एरिया में चाहिए अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ, बट मैं ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को अनलॉक करूंगा. जैसा देखते हैं इंटेल बहुत ही जल्दी आ रही है विच इज फैंटास्टिक फॉर मी. हाँ लैंड राइट कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं अभी के लिए. इसके बाद थोड़ा सा पैसे बचाते हैं, अभी मलेशिया या इंसर्जेंस आने वाले हैं तब कोएलिशन सोल्जर्स चाहिए रहेंगे, थोड़ा सा पैसा बचा के रखते हैं. होपफुली जल्दी नहीं आए जब तक हमारा ये इनिशिएटिव, देखिए 3 जगह इनिशिएटिव रन हो रहे हैं हमारे विच इज़ वेरी गुड. यस इंसर्जेंस आ गए तो हमारा कोएलिशन सोल्जर्स ऑलमोस्ट रेडी होने चाहिए विच इज़ वॉट वी वॉन्ट. जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन करप्शन बढ़ता है कोएलिशन सोल्जर्स से बट नॉट टू मच. जैसे ही 10 हो जाएगा मैं एक नेशनल सोल्जर को भी ट्रेनिंग में लगा दूँ. नेशनल सोल्जर्स टाइम लेते हैं ट्रेनिंग के लिए बिकॉज यहाँ पे आए हैं इंसर्जेंट. सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस एंड दिस. होपफुली अगर हमको फटाफट इंटेल डिप्लॉयड फॉक्स ट्रॉट, अगर हमको इंटेल से फटाफट इनका बेस मिल गया तो हमारे लिए बहुत ही लकी ब्रेक होगा, क्योंकि आ गया नेशनल सोल्जर इन ट्रेनिंग. कम ऑन फॉक्स ट्रॉट. आई एम गेसिंग यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए. यहाँ नहीं है क्योंकि हमने इंटेल यहाँ पे दे दिया है. आई एम गेसिंग ये ही बेस होना चाहिए. लेट्स गेट अनदर नेशनल सोल्जर ट्रेनिंग में. अगर ये कहीं पे मूव करना चाहेंगे तो मैं इस वाले सोल्जर को हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए. ओके यहाँ पे आ रहे हैं. यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. जैसे मैंने बताया आपको मेरे को इनको लेने नहीं देना है, जितना हो सके फाइट डालना है इनके साथ. होपफुली कम ऑन इनको लोगों को क्या चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, हेल्थ केयर दे सकते हैं और सेल टावर चाहिए वो भी हम दे सकते हैं. साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन के लिए 13 पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे. ओके यहाँ पे मैं जीत गया हूँ. तो इस सोल्जर को वापस यहाँ ले आएंगे होपफुली. इससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये, या मेरा गेस बराबर था बट यहाँ पे भी हम इजीली डिफीट कर देंगे. ओके आगे जो साइट डिस्कवर हुई है अब इसको हम फंड एक्सकवेशन कर सकते हैं जिसका कॉस्ट 8 है. प्राइवेटाइज कर सकते हैं, इंक्रीज सपोर्ट इन द एरिया. यार कुछ नहीं करके इंक्रीज लेते हैं सपोर्ट अपना आराम से. ओके ये चला गया हमारे हाथ से.
नो, तुमको ये नहीं करने दूंगा मैं, जितना हो सके यहाँ से तो नहीं जीतने दूंगा। और मेरे पास है फंड्स तो मैं, और क्या चाहिए इनको, हेल्थ केयर अभी भी चाहिए, लेट्स गेट सम कंस्ट्रक्शन गोइंग, पहले तो हमारा कंस्ट्रक्शन गोइंग। ना 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 बाबू ना, इनको यहाँ पे हो सके जितना हो सके यहाँ पे अटकाना है। एक और नेशनल सोल्जर रेडी हो गया जिसकी वजह से यहाँ डबल सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ हाँ 16 आने के बाद मैं ये अनलॉक, एक्चुअली गैरिसन में अनलॉक कर सकता हूँ, यस गैरिसन में अनलॉक कर सकता हूँ, तो मैं गैरिसन अनलॉक कर दूंगा। यस ये बहुत बढ़िया जगह है गैरिसन की, यस लेट्स बिल्ड अ गैरिसन हियर एंड ये लोग यहाँ जाने वाले हैं, आई एम श्योर ऑफ इट। यस काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटरी फाइट था यार, लॉन्ग एक्सटेंशन तेरे को अभी नहीं जाने दे सकता हूँ मैं। एक और नेशनल सोल्जर 13 के बाद बन जाएंगे, हो सक जितना हो सकता है इस एरिया में इनको इकट्ठा करके रखना है। आई डोंट थिंक सो वहाँ कुछ कर रहा है, सिर्फ हार रहा है पूरी तरीके से। ओके होपफुली ये लोग, यस 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 यस, इसको भी यहाँ ले आता हूँ मैं एटलीस्ट अभी के लिए जब तक ये फाइट चल रही है। मैं इनको थोड़ा सा अच्छे आ गया डोमेस्टिक सोल्जर, और क्या चाहिए लोगों को, लोगों को हेल्थ केयर अभी भी चाहिए। सो 13 के बाद मैं एक्चुअली थोड़ा सा करप्शन कंट्रोल की तरफ ध्यान देता हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो गया। नाइस करप्शन कंट्रोल पहले, कि करप्शन 39%, ओके वॉरिंग करप्शन ऑन द राइज, जैसे मैंने बताया कि करप्शन ऑन द राइज था, ये वाले एरिया को मैंने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है। ओ नाइस एक स्टेबलाइज हो गया एरिया, इनको सेल टावर चाहिए अभी, सेल टावर तो हम दे सकते हैं जब तक लॉन्ग एक्सटेंशन, सॉरी गाइज हमारा थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन हो रहा है, बट आई एम गेसिंग हमारा स्टेबलाइजेशन फेज जल्दी आना चाहिए। और क्या चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए लोगों को, हेल्थ केयर भी मैं दे सकता हूँ, गिव मोर हेल्थ केयर गाइज। अटैक करो 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 यहाँ पे, अटैक को कुछ नहीं मिलेगा, लेट मी ट्राई एंड गेट इनसाइड देयर बेस, क्या होता है देखें, मैं भी उनको थोड़ा सा पीछे धक्का देता हूँ। ओके यस बिल्ड अ गैरिसन, जितना गैरिसन बना सकता हूँ उतना ही बढ़िया है मेरे लिए। इंक्रीज पे इनके लिए बेटर वेपन्स भी अच्छे होंगे अभी के लिए। काम ऑन नहीं हार रहे, एक सेकंड डाल के देखते, होपफुली ये डबल सपोर्ट से, या सिर्फ डबल सपोर्ट चाहिए था उनको। नाइस ये 13 चाहिए, उसके बाद करप्शन पे भी थोड़ा सा और काम हो जाएगा, क्योंकि अभी करप्शन काफ़ी हाई है, या नहीं जीतने वाले लोग। ये मेरे को ये दोनों का वापस एक्सटेंशन आया, उससे पहले मेरे को और एरिया जीतना है। सो सेल फोन टावर स्किमिंग फ्रॉम आर सोल्जर्स, आई नो दे आर स्केपिंग फ्रॉम आर सोल्जर्स, बट कुछ नहीं कर सकते बाबूलाल। मिलिशिया ये एरिया जीत जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा इनको और अंदर खदेड़ सकते हैं, विच इज वॉट आई वॉन्ट। नाइस ये एरिया हमारा हो गया है, नाउ लेट्स ट्राई एंड गेट सम अदर एरिया हमारे लिए। लेट्स डू दिस एंड रूरल कंस्ट्रक्शन में डालते हैं थोड़ा सा, करप्शन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। हमारे सोल्जर्स को बेटर वेपन्स दे देते हैं सबसे पहले तो, ताकि ये लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट कर सकें। 51% ये थोड़ा एरिया, फाइंड अ डिस्ट्रॉय इंसर्जेंट, हाँ मालूम है भाई मेरे को, मिल मालूम है यहाँ पे है इंसर्जेंट कैंप, एंड कुछ नहीं कर सकते इसमें हम लोग अभी, तो यहाँ लाना पड़ेगा। एंड अगर ये लोग यहाँ घुसने का ट्राई करते तो हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे वो है ना अपना, इसका भी बारी आने वाली है, 100% डिले, कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अभी हमारा एयर स्ट्राइक थोड़ा चालू करते हैं ताकि ये लोग ना 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 यहाँ पे तो कुछ नहीं जीतने वाले, ये लोग वापस पीछे जाएंगे। इसका टेंशन है थोड़ा सा, अगर इसका सेंड होम आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या करें, और क्या चाहिए लोगों को, लोगों को पानी चाहिए अभी थोड़ा सा, तो पानी देते हैं उनको। हाँ रोड्स भी ठीक कर देते हैं, होपफुली इससे हमारा मूवमेंट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। वो नहीं नहीं यहाँ नहीं आ रहे हो क्योंकि हमारे सोल्जर्स हैं यहाँ। ओके बिल्ड अ गैरिसन, यस जितना मैं गैरिसन बना सकता हूँ उतना मैं गैरिसन बनाऊंगा। अच्छा ओके नाइस, ये वाला एरिया पूरा धड़ 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 स्टेबलाइज हो रहा है,
कीप रूल्स अनचेंज्ड, इसका थोड़ा सा टारगेटिंग बेटर कर देते हैं इससे. इसको यहाँ ले आते हैं, लेट्स सी. सेंड होम, इसका कुछ नहीं कर सकते थे हम हमारे सोल्जर्स को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट. उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे. होपफुली फॉक्स ट्रॉटल नहीं, इसको पॉज. ओके, इसको यहाँ ले आते हैं. सर्विसेज को थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है पीआर से, ये बेटर करते हैं. इम्प्रूव सिक्योरिटी, मेकिंग हार्ड ऑफ इंसिडेंट टेक कंट्रोल बट डिक्रीज सपोर्ट लेवल. और क्या कर सकते हैं, आई थिंक ये बढ़ा लेते हैं. इस थोड़ा मलेशिया के ऊपर अटैक फटाफट होता रहेगा, विच इज वेरी गुड फॉर आ. यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा. ओके सॉरी, हाँ एक सेकेंड, तो ये ले लेते हैं. इससे सटल काउंटर प्रेशर बनेगा होपफुली. ये सटल प्रेशर डिले टॉक्स इंसर्जेंस को अभी भी टॉक नहीं करना है हमारे साथ, विच इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि हमें बात करने की बहुत जरूरत है अभी. एटलीस्ट अभी इंसर्जेंस से ये वाला एरिया स्टेबलाइज, थोड़े इंसर्जेंस मर रहे हैं होपफुली. ओके, 65 इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी. होपफुली इंसर्जेंस को फटाफट बात करने का शौक चढ़े, इसको और पीछे खदेड़ सकते हैं हम लोग अभी. एक सेकेंड पॉज, इसको यहाँ ले आते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंस आ रहे हैं एंड हमको नहीं चाहिए वो हमारे एरिया में आए. सो ये वाला बैटल फॉर आराम से होपफुली. इंसर्जेंस पॉपुलेशन 40. के हमारा वेपन्स बेटर कर लेते हैं. ओह वाओ, इंसर्जेंट कैंप मिल गया, विच इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड. नाउ इंसर्जेंट कैंप को अगर हमने उड़ा दिया, इंसर्जेंट रिव्यू स्टॉक, इंसर्जेंट से नहीं बात करें. इंसर्जेंट कैंप इज गॉन, विच इज वेरी गुड. इंसर्जेंट को हमने और पीछे धकेल दिया है, विच इज ऑल्सो नाइस. इसको यहाँ, ये एरिया को ऐसा बॉर्डर एरिया बना के रखेंगे हम लोग. कवर अप ना, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को पानी चाहिए और, तो हम पानी देते हैं, हम साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं. और क्या दे सकते हैं हम यहाँ पे, ये रिमोट जोन में अगर. नाइस और स्टेबिलिटी. यहाँ पे क्या है, सेटल प्रेशर, इंसर्जन लूज सपोर्ट विच इज व्हाट आई वांटेड. इसको यहाँ पे ले आते हैं एंड क्या करते हैं, हमारे सोल्जर्स के पास वेपन्स बहुत हैं. सिक्योरिटी चेक पॉइंट, मेकिंग हार्ड ऑफ इंसर्जेंट टू टेक कंट्रोल विच इज़ व्हाट आई वांट. लोकल सपोर्ट इन जोन्स विद गैरिसंस, दैट्स आल्सो अ गुड थिंग, बट आई थिंक मैं लोकल मलेशिया लोकल पुलिस लूंगा. जिससे क्या होगा, पे रैंसम 88% जर्नलिस्ट लॉस. लेट्स डू दिस. और क्या करें, फ्यूल एंड इंक्रीज लेवल ऑफ सर्वेलेंस. कैन रिमेन जोन, कॉम्बैट स्ट्रेंथ देता है. आई थिंक प्रिसीजन ले लेते हैं अभी के लिए. इंसर्जेंट यस, नो चांस, इंसर्जेंट रिफ्यूज टू टॉक विच इज व्हाट आई वांटेड. यहाँ पे बिल्ड अ गैरिसन, यस बनाते रहो आप गैरिसन यहाँ पे. यहाँ पे ओके, होपफुली डबल सपोर्ट से जीत जाए होपफुली. यस ओके. इंसर्जेंट क्या बोल रहे हैं ना, आई विल नॉट अपोलोजाइज, यू विल अपोलोजाइज. And yes, इनको और पीछे खदेड़ दिया हमने, which is what I wanted. ये वाला एरिया भी मैंने फ्री कर दिया है. इंसर्जेंट सेटअप अ पार्टी, ठीक है मेरे पास है काफ़ी सारी रेप्यूटेशन, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट इतना ज़्यादा. एक्चुअली इसको यहाँ ले आता, यहाँ से क्या होगा. ओके, इंसर्जेंट्स इंटरनेशनल एंटेगनाइज इंसर्जेंट, मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे कोई इंसर्जेंट कैंप आ जाए. सो लेट्स होप वो नहीं हो. कॉम्बैट बोनस, और क्या कर सकते हैं हम. लोकल पुलिस एक्सपांशन, ठीक है लोगों को और कुछ चाहिए क्या, लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए. तो हम थोड़ा सा लैंड राइट्स देते हैं, सिग्नल टावर 2 भी दे देते हैं. एक और इंसर्जेंट कैंप, वाओ, विच गॉट डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, विच वॉज फैंटास्टिक होपफुली. ये क्या बोल रहा है, सटल प्रेशर, यस इंसर्जेंट लॉस सपोर्ट, बढ़िया. ये वाले एरिया में इंसर्जेंट Warning, insurgents are escaping us. That is fine. ये थोड़ा सा लेता हूँ, इसको और पीछे कर देता हूँ ताकि ये एरिया हमारा हो जाए. बिफोर आई हैव टू डू दैट, आई एम गेसिंग दैट शुड बी द फाइनल पीस डील. नो. ओके, हाँ, इंसर्जेंट सजेस्ट हैवी वेपन्स.
नहीं, उनको नहीं लेने दूंगा मैं, वो एरिया भी स्टेबलाइज हो गया। नाइस 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 नाइस, यहाँ से गए एंड आई थिंक दैट्स द फाइनल स्ट्रॉ फॉर द इंसर्जेंट्स। हाँ, लास्ट बिट ऑफ इंसर्जेंट्स है, अग्री टू अ पीस डील अभी नहीं, लेट्स डू दिस हैवी ऑर्डिनेंस लेते हैं हम। और क्या करना है लोगों को, लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा बहुत अच्छा लेवल पे पहुंच चुका है, होपफुली हम इनको फटाफट हरा सके, गिवन यू नो हमारे पास सब इंटेलिजेंस है। नाइस, अभी पीस डील लेते हैं, इससे क्या होगा, कोई इंसर्जेंट बचेगा नहीं, सो वन जोन अंडर कंट्रोल, रिड्यूसेस रेपुटेशन बाय 1-1, 1-1 का लॉस हुआ है, पीस डील एक्सेप्टेड एंड विद दैट गाइस हम लोग ये गेम जीत गए। ऑलरेडी हम जीत चुके थे, यहाँ पे थोड़े इंसर्जेंट आने वाले थे बट आई थिंक हमने पीस डील ले ली तो हम जीत चुके, सेटल प्रेशर कट ऑफ इंसर्जेंट हैं जो भी है। विद दैट आई थिंक वी हैव डिसमिस कंसर्न, वी हैव वन दिस गेम। आप बताइए आपको ये वाला गेम कैसा लगा, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंगली एक ही जगह में इंसर्जेंट्स को पकड़ के रखा एंड नून में इसने इवेंचुअली विद 5 स्टार ये गेम जीत लिया। गाइज आप मेरे को बताइए रिवेलिंग का गेम आपको जनरली कैसा लग रहा है, एंड ऑल्सो गाइज हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन बिकॉज दिस हेल्प मी अ लॉट। अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। विद दैट गाइज दिस इज द फ्री एंड साइनिंग ऑफ।